कुछ ऐसा प्रयोग होता है यांत्रिक मुद्राओं का इसमें योगदान होता है। मौखिक भाषा की विशेषताएं निम्न है, यानी कि मौखिक भाषा यदि देखा जाए तो बोलकर अपने विचारों को दूसरों के समक्ष प्रकट करना, बोलकर अपने विचारों की अभिव्यक्ति करना मौखिक अभिव्यक्ति कहलाती है। और इसकी विशेषता है सुश्रव्यता, यानी कि स्पष्ट सुनना, उचित गति के साथ बोलना, भावानुरूप उतार चढ़ाव, भाव के अनुसार उतार चढ़ाव करना, शुद्धता स्पष्ट बोलना, क्रमबद्धता क्रम रखना, शिष्टाचार के साथ प्रयोग करना भाषा का, संप्रेषणीयता यानी कि संप्रेषणीयता विचारों का आदान प्रदान स्पष्ट तरीके से करना। इसी प्रकार से लिखित भाषा, तो लिखित अभिव्यक्ति लिपि के माध्यम से की जाती है। लिपि यानी लिखकर जो कभी मिटती नहीं है। तो लिखित अभिव्यक्ति लिपि के माध्यम से की जाती है, लिखकर की जाती है। जिस प्रकार मौखिक अभिव्यक्ति में कथन भंगिमा इसकी प्रभावशीलता में वृद्धि करती है, कथन यानी बोलकर कथनों को अभिव्यक्त किया जाता है, उसकी भाव भंगिमा को स्पष्ट करती है, ठीक उसी प्रकार से लिखित अभिव्यक्ति में शैली प्रभाव उत्पन्न करने में विशेष भूमिका का निर्वाह करती है। उसी प्रकार से लिखित अभिव्यक्ति शैली के प्रभाव को यानी लिखने की जो शैली होती है उसके प्रभावशीलता को स्पष्ट करती है।